भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चमत्कार उन्हीं के जीवन में होता है जिनके मन में विश्वास होता है। जो लोग अपने मन में नियंत्रण नहीं रख पाते, उनका मन सबसे बड़ा शत्रु होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ध्यान रखना, अपना आपका मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनो जाते हो, और हमारे जीवन में सुख और दुख का ज़्यादा भेद नहीं है। जिसे हमारा मन स्वीकारता है वही सुख है, और जिसे हमारा मन अस्वीकारा है वह दुख है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, खेल हमारे मन का ही निर्बलता अक्सर ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन निर्माण करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन कठिन तब लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने चले जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमता का भी सही आभास कराता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य कितना भी बुरा क्यों न हो, परंतु परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ यह अहंकार और घमंड है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी में हम कितने सही या गलत हैं यह केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी आत्मा। ध्यान रखना कि ज़्यादा खुश होने पर या ज़्यादा दुख होने पर कोई भी नियम निर्णय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों में आपको कोई निर्णय नहीं लेने देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अंधा होते तो इसके पास अपना ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता है और न ही मार्गदर्शन करना जानता है, इसलिए आप अंधे मन को मानकर जरूरी काम को करना बंद कीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप हमेशा बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। ऐसे ही हमारे और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।